Hi viewers, hope you're fine and doing good. Thank you for joining. It's me, Zafar. It's a matter of pleasure for me that you constantly see my videos, watch my videos and encourage me. Thank you for all that. It's sort of oxygen for me that you people comment and watch my videos. Thank you. तो हम इस वीडियो में एसिटिक एसिड को डिस्कस करेंगे. बहुत हो गया वैसे, एसिटिक एसिड पर थोड़ी चेंज भी आनी चाहिए. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने पिछली वीडियोस देखी, उनकी प्रेपरेशन वगैरह, उनके रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म्स लेटर ऑन हमने देखे, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस की. यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली एसिटिक एसिड डिस्कस करना है. जैसा कि ये लफ्स एसीटम से ड्राइव है, एसीटम सिरका को कहते हैं, ये हम जान चुके हैं, एसीटम से है. ठीक है, एसीटम कहते हैं सिरका को, सिरके वाला एसिड. इसका 2-3% सॉल्यूशन हमारे घरों में भी होता है, एज ए विनीगर हम यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सैलड्स वगैरह में, और हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको. तो एसिटिक एसिड का अगर आप फार्मूला देखो तो ये एसिटिक एसिड यूँ लिखते हैं हम, बेसिकली ये इथानोइक एसिड है. 1, 2 दो कार्बन्स हैं. इसका नाम जो है, आयोपिक नेम जो है, आपको पता है, इथेन ओइक एसिड, OIC, ई हटा के OIC जो कि इसका क्लास नेम है. इथानोइक एसिड हम इसको नाम देते हैं. तो इस वीडियो में हमने एसिटिक एसिड को डिस्कस करना है. इसकी हम देखेंगे प्रेपरेशंस. पहले हम लेबॉरेटरी मेथड डिस्कस कर लेते हैं एक दो, फिर हम कमर्शियल प्रेपरेशंस देख लेंगे, लेटर ऑन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे, और उसके बाद कुछ यूजेस देखेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी यहाँ नहीं देखनी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सेक्शन में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हुई हैं. तो ये बड़ा ही आसान है, दो कार्बन वाला हमें एसिड बनाना है. तो यकीनन हम ऐसा करते हैं कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या एसिटाल्डिहाइड, आपको लैब में अवेलेबल हैं ये दोनों, बड़े इजीली हैं. इथाइल अल्कोहल ले लो जी, CH3CH2OH, दिस इज योर इथानोल. क्या है ये आपका? इथानोल, आर यू कैन से इथाइल अल्कोहल. ये मैंने एटॉमिक ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करवाई है. कैसे हुई है ये इसकी हमारे तक रसाई, इस हमारी इस तक रसाई हुई है कि हमने इसको K2Cr2O7 विद डाइल्यूट H2SO4 दिया. सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 का ऑक्सीजन जो है उसको इवॉल्व करेगा. तो ये वाला ऑक्सीजन जो है हमें ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करता है. तो हम यहाँ पे हासिल कर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड ये वाला, या फिर अगर आप एसिटाल्डिहाइड से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर लो. तो इसकी भी हम जाहिर है ऑक्सीडेशन जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड में चेंज हो जाती है. ठीक है, वही कंडीशंस यहाँ पे भी आप कंटिन्यू रखो, K2Cr2O7 विद डाइल्यूट H2SO4. ये था हमारा पहला मेथड. कैसे? इथानोल की ऑक्सीडेशन कर दो जी, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारा दूसरा मेथड है कि हाइड्रोलिसिस कर दो मिथाइल साइनाइड की, या अल्काइल नाइट्राइल जिसको हम कहते हैं इस क्लास का. ठीक है, इथेन साइनाइड कह लें आप इसको, इथेन नाइट्राइल कह लो आप इसको, या मिथाइल साइनाइड. आपको पता है ना, ये एक लॉन्गर चेन, अगर आपने एक कार्बन का इजाफा करना है तो हम साइनाइड, हम एक कार्बन वाला अल्केन ले रहे हैं और उसके साथ साइनाइड ले रहे हैं. दिस इज़ आर अल्केन नाइट्राइल. हम इसकी करवाने जा रहे हैं हाइड्रोलोसिस, और वो भी कैसे? एसिडिक कंडीशंस में. आप इसको रिएक्शन का पार्ट बना लो या वैसे लिख लो. ठीक है, एसिड और वाटर को आप यहाँ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, मैं भी यहाँ से काट देता हूँ. तो मिथाइल साइनाइड जो है ये एसिड अमाइड में चेंज हो जाता है, एसिटामाइड में चेंज हो जाता है ये, लाइक दिस. अब हम इसको यही कंडीशंस में कंटिन्यू रखते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस को जारी रखते हैं, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है. अगर आपने यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज़ किया है या HCl, तो अमोनियम क्लोराइड भी हमारे पास आ जाएगा.
हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, और अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर ये वाला अमोनियम आप अलग से लिख दो कि ये हमें अमोनियम आयन। अगर आप HCl इधर साथ रिएक्टेंट के तौर पे लिखते हो तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। तो हुई तैयार एसिटिक एसिड की लेबॉरेटरी प्रेपरेशन में, जस्ट आपने अल्कोहल लेके K2Cr27 से उसकी ऑक्सीडेशन की, जो कि एसिटाल्डिहाइड और लेटर ऑन एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। दूसरा रिएक्शन आपका यह है कि आप हाइड्रोलिसिस करा दो अल्काइल साइनाइड लेके, कौन सा, मिथाइल वाला, हमें दो कार्बन वाला एसिड चाहिए। यहाँ पे हमने एक कार्बन एज एन अल्केन और साइनाइड वाला एक कार्बन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो हमारे पास दो कार्बन वाला एसिड बन गया, दैट इज कॉल्ड इथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड हमारा प्रिपेयर हो गया। आप इसको एसिटिक एसिड कह लो या इथानोइक एसिड, सॉरी इथानोइक एसिड का नाम दे दिया हमने इसको। अब हमने देखना है लेबॉरेटरी मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड की। तो एसिटाइलिन, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, हमने एसिटाइलिन या इथाइन के रिएक्शन पढ़े थे ना, उसमें हमने उसके ऊपर वाटर ऐड किया था, आपको शायद याद आ जाए। ये देखो एसिटाइलिन लो, उसके ऊपर वाटर ऐड कर दो, सिंपल एडिशन है ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको 20% H2SO4 का सोल्यूशन लेना होगा और तकरीबन 1% HgSO4, ये वैसे लिटरेचर में मुख्तलिफ परसेंटेजेस शो की हुई हैं, 1.1% भी है समटाइम्स। तो ये आपने रिएक्शन करवाया तो आपके पास वाटर ऐड हो गया एसिटाइलिन पे, इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे OH ऐड हो गया। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। लेटर ऑन मैं कहता हूँ कि ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे चला जाता है, इसमें मैं रीअरेंजमेंट शो करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे इस कंपाउंड को क्या कह सकते हो, इनोल कहते हैं, ठीक है, इथिनोल, इनोल। अच्छा, ये क्या होगा, CH2 पे ये जब बॉन्ड जाएगा यहाँ मुकम्मल नेगेटिव आएगा और ये वाला हाइड्रोजन मैं इसका बाहर करके लिख देता हूँ, दिस वन ए, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से याद रखो ये वाला प्रोटॉन फ्री हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये जो आपका एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये अब अटैक करेगा, उस प्रोटॉन ले लेगा बस। वैसे आप इसको सिंपल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते थे, ये ज़रा गौर करें, ये वाला है ना भाई, ये नेगेटिव जो है ये प्रोटॉन अपना वापस लेगा, वो वाला, ये वाला प्रोटॉन जो उतरा है, हालांकि ये आप इधर शिफ्ट कर देते तो तब भी ठीक था। अच्छा, ये अब प्रोटॉन पे अटैक करता है तो हमें ये एसिटाल्डिहाइड मिला, ठीक है जी। ये वाला एसिटाल्डिहाइड जो है, क्योंकि हम कमर्शियल प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं, हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के एसिटिक एसिड हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होंगी, इंडस्ट्रियली ये एसिटाल्डिहाइड जो है इसकी हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, एयर ऑक्सीडेशन कर लो आप, ठीक है जी। आप क्या करते हो, आप कहते हो जी एयर प्लस आप मैंगनीज एसीटेट लगा दो, ठीक है, कैटालिस्ट क्या है, और यहाँ पे टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। या फिर आप एक बड़ा अच्छा कैटालिस्ट है आपको पता है उसका, वेनेडियम पेंटोक्साइड, ये कैटालिस्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम लेके आना चाहते हैं तो ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ये देखें जी सी डबल बॉन्ड ओ, इस जगह पे आप एक ऑक्सीजन का इजाफा कर दो तो दिस इज योर एसिटिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है। मैंगनीज एसीटेट एज ए कैटालिस्ट यूज़ करो और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आप यूज़ कर लो। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंडस्ट्रियली आमतौर पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है और यहाँ इस रिएक्शन के दौरान अच्छा खासा प्रेशर भी
लगाना पड़ता है, ये आपका एस्टेक एसिड है। अच्छा, इस रिएक्शन की खूबी क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान 80% तक यील्ड आ जाती है आपकी, ठीक है, क्या है 80%, वेरी हाई यील्ड है ये आपकी। और एज फार एज प्योरिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज कंसर्न, तो आपकी प्योरिटी है यहाँ पे तकरीबन 97% प्योर आप एसिटिक एसिड इस रिएक्शन से तैयार कर सकते हो। कैसे किया हमने, एसिटाइलिन लिए, इथाइन ली, उसके एसिड के साथ रिएक्शन एडिशन की, वाटर की, इनोल बना, इनोल में रीअरेंज करके हमने एसिटाल्डिहाइड हासिल की, जबकि हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किए हुए थे और टेम्परेचर हमने 80 सेंटीग्रेड मेंटेन रखा। लेटर ऑन हमने एसिटाल्डिहाइड की एयर ऑक्सीडेशन की मैंगनीज एसीटेट की मौजूदगी में या वेनेडियम पेंटोक्साइड आप यूज़ कर लो, हाई प्रेशर और 70 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है, हमें एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड की प्योरिटी काफ़ी हाई है 97% और यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ रीजनेबली हाई है, और वो कितने परसेंट है 80%। हमारा नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड इज़ फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथानोल, ये भी कमर्शियल मेथड है रादर, ठीक है, कौन सा मेथड है ये, कमर्शियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ठीक है जी कमर्शियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हम एसिटिक एसिड कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलेसेस ले लेते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस, आप जायमेज इंजाइम यूज़ कर लेते हो, ठीक है, जब ग्लूकोज बन जाता है तो वहाँ से हम आप इन्वर्टेज इंजाइम का भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इन्वर्टेज ग्लूकोज बना देगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, फिर हम जायमेज यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाता है इथानोल। ये वाला इथानोल आपको पता है ये सिर्फ 14% होता है, फिर हम की डिस्टिलेशन रीडिस्टिलेशन करके इसको ऊपर लेके जाते हैं इसकी कंसंट्रेशन। ये आपका इथानोल जो है इसकी आपने ऑक्सीडेशन करवा देनी है, और कैसे करवानी है, K2Cr2O7 विद H2SO4, ये फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड में चेंज होगा और फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखो तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। दिस इज़ हाउ, पहले हमने चार मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं प्रेपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड में। फर्स्ट था लैबोरेटरी मेथड जिसमें इथानॉल और एसिटाल्डिहाइड आपने यूज़ किया, सेकंड में मिथाइल साइनाइड इस्तेमाल किया, ठीक है, ये दो लैबोरेटरी मेथड थे। फिर हमने इसको इंडस्ट्रियली तैयार किया था एसिटिक एसिड को, जो मेथड हमने इस्तेमाल किया था वो था एसिटाइलिन की हाइड्रोलिसिस, यानी उसका वाटर के साथ उसकी एडिशन ऑफ वाटर की थी हमने और एसिटाल्डिहाइड और फिर इसकी ऑक्सीडेशन से एसिटिक। लास्ट मेथड हमने कमर्शियल प्रेपरेशन का जो देखा है वो है फ्रॉम मोलेसेस, हमें इथानोल मिला और इथानोल की ऑक्सीडेशन से हमने K2Cr2O7 विद H2SO4 हमने इसकी ऑक्सीडेशन की और एसिटिक एसिड तैयार कर लिया। तो अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इट इज कलरलेस लिक्विड, क्या है ये, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। इट हैज पंजेंट स्मेल, इट हैज पंजेंट स्मेल, इट हैज सोर टेस्ट, इट हैज एसिड है ना तो यकीनन इसका सोर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये डू यू नो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 16.5, सम लिटरेचर में 17 होता है, 16.5 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और लिखा होता है कि 17 सेंटीग्रेड पे इसको बनाते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की पीसीस की फॉर्म में, ग्लेशियर की फॉर्म, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक
एसिड का नाम भी इसको दिया जाता है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपको याद होना चाहिए, वो है 118 सेंटीग्रेड, 118 सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसकी डेंसिटी अगर ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इक्वल टू वाटर है ऑलमोस्ट एट 0 सेंटीग्रेड। अच्छा, ये डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म, यानी डाइमर, दो दो मॉलिक्यूल इसके इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, किस किस के लिए, इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन, ये इसमें बड़ी अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे हम कह लें कि इट्स सॉल्युबल इन वाटर, ये एसिटिक एसिड जो है सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इट इज मिसिबल कहें तो ज़्यादा अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा ये आप ये भी कह सकते हो इट्स ऑल्सो मिसिबल विद, किस किस के साथ, ईथर एंड इथानोल, ईथर एंड इथानोल, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्टली हम एक ओवरव्यू लेते हैं यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड का। इट्स यूज एज कोगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री, ठीक है, कोगुलेंट के तौर पे है, रबर को कोगुलेट करवा देता है। इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ PVA, रेयॉन, सेलुलोज एसीटेट एंड सिल्क वगैरह में, उनकी मैनुफैक्चर में ये यूज़ होता है। एज मेडिसन या इन मेडिसन इट इज़ यूज एज ए लोकल इरीटेंट, इज इट, और इट्स वेरी गुड सॉल्वेंट इन लेबॉरटरी, और बहुत सारी प्रेपरेशन में ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट इन लेबॉरटरी। मतलब आप इसको वो क्या नाम है, क्रोमेटोग्राफी में भी तो एज ए सॉल्वेंट यूज़ करवा रहे होते हैं ना, क्रोमेटोग्राफी में एज एन एल्यूएंट आपकी या मोबाइल फेस के तौर पे। केमिकल्स लाइक एसीटोन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड हम इससे तैयार कर लेते हैं, रिजनेबल अमाउंट्स में हम ये ले लेते हैं। एज ए विनीगर इन आर फूड, ठीक है, हमारी फूड में टेस्ट डेवलप करता है ये, ठीक है, एज ए विनीगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे एसिटिक एसिड के चंद यूजेस, दिस इज़ हाउ वी डिस्कस्ड एसिटिक एसिड। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।